हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अभी हम लोग और एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि एनिमेशन की सीरीज है। एनिमेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले जो सीख रहे हैं फोटोशॉप से शुरुआत करेंगे। तो सर, ये फोटोशॉप है क्या एग्जैक्टली? एक्जैक्टली फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा एडिटिंग सीखेंगे और ईजिली सीखेंगे। कोई भी इफेक्ट हम लोग ईजिली सीखेंगे। हम लोग को एकदम मस्त अच्छे से फोटोशॉप हम लोग का बैठ जाएगा हाथ में, और ईजी मेथड में सब बताऊँगा आपको। तो ये जो फोटोशॉप है उसमें हम लोग फोटोज़ को जनरली एडिटिंग करते हैं या नहीं? हम लोग जनरली फोटो को सिर्फ एडिट नहीं करेंगे, और भी चीज़ें उसके अंदर सीखेंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह, अलग अलग टाइप की लेयर पे कैसे मास्किंग कैसे यूज़ करने का, वो सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इजिली मेथड रहेंगे सारे। तो गाइज, ये वीडियो को देखिए ध्यान से। हम लोग ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, एनिमेशन भी हम लोग ऑनलाइन के जरिए सिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए कि इसमें और क्या आपको चाहिए, तो मैं YouTube में उसको डालने की कोशिश जरूर करूंगा। तो हुज़ैफ़ा सर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है फोटोशॉप के ऊपर। तो आज हम लोग जो फोटोशॉप में सीखने वाले हैं वो है कार्टून इफेक्ट। तो हम लोग ईजिली कैसे कार्टून इफेक्ट फोटोशॉप में कर सकते हैं वो आज सीखते हैं। तो करना कैसे, आइए उसको प्रैक्टिकली हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक फ़ोटो ले ली इधर पे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये फ़ोटो का बैकग्राउंड में रिमूव कर दूँगा पूरा। तो इधर से मैं मैजिक वेन टूल लूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं डायरेक्टली सिलेक्शन बना के डिलीट का बटन दबाऊँगा, जिससे मेरा डायरेक्टली सेम कलर डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, उसके बाद जो बचा कुचा है मैं इरेज़र टूल से लेकर डिलीट कर दूँगा, उसको इरेज कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने अपना बैकग्राउंड पूरा इरेज कर दिया है, उसके बाद हम लोग इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे। उसके बाद इधर पे हम लोग ट्रेस होल्ड में जाएंगे, ठीक है? ओके करेंगे, फिर ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग कैसा चाहिए वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। जैसा भी आपको रखना है आप रख सकते हो। मैं इधर पर 135 तक रखता हूँ, उसके बाद ओके। देन आपको ये लेयर का डुप्लीकेट निकालने का है, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल जे, तो जिससे आपका डुप्लीकेट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको जो आपने जो डुप्लीकेट इमेज निकाली है उसको सिलेक्ट रखना है, और उसके ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको चैनल करके, वो चैनल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपका ये RGB सेक्शन आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करने का है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करने का है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है, ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पे सिलेक्शन बन गया है, तो ये बनना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद वापस से मैं लेयर सेक्शन में आता हूँ, ठीक है? मेरा जो डुप्लीकेट लेयर है उसी को मैंने सिलेक्ट रखा है, और उसके बाद इधर पे मैं कलर बनाता हूँ, जो भी मुझे चाहिए, जैसा भी लाइट डार्क जो भी कलर मुझे चाहिए वैसा मैं कलर बनाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ अल्ट बैक स्पेस, ठीक है? मैंने अल्ट बैक स्पेस प्रेस किया और मेरा कलर फिल हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि साइड में भी कलर आया हुआ है हम लोग का, तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सिलेक्शन मोड चल रहा है उसको मैं कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो हम लोग का नीचे वाला लेयर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल की दबा के वही लेयर के ऊपर ठीक लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे, जिससे हम लोग का वो लेयर का सिलेक्शन बनेगा। आप देख रहे होंगे इधर पे लेयर सिलेक्शन हो गया, ठीक है? उसके बाद हम लोग ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, फिर उसके बाद हम लोग इधर पे इसको लेयर मास्किंग में डाल देंगे। तो आपको इधर दिख रहा रहेगा एड लेयर मास्किंग नीचे ही एकदम, तो आपको सिर्फ एक क्लिक कर देने का, ऑटोमेटिक आपका वो बैकग्राउंड चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ स्किन पे कलर रह गया इधर पे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, लेयर मास्किंग को अप्लाई कर देने का है, ठीक है? लेयर मास्किंग को अप्लाई करने के बाद इधर मैंने जूम किया, कंट्रोल प्लस दबा के आपको जूम करना है, ठीक है? तो आपको जो भी एरिया से, मतलब यानी काला डॉट कहीं पे आ रहा है या कुछ आपको चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो। तो इधर पे मैं ब्रश लेता हूँ और मैं कलर नहीं चेंज करता हूँ ब्रश का, मेरे को यही कलर नीड है। तो इधर पे मैं कट ब्रश, ये वाला ब्रश लेता हूँ जिसमें ब्लरिंग ब्रश नहीं है, कट ब्रश लेना है, और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद मेरे को जहाँ जहाँ से डॉट्स हटाने में हटा सकता हूँ, आप देख रहे हो कि रिमूव हो रहा है डॉट्स, इसे इधर पे ये नीचे मैंने हटा दिया, ठीक है?
यहाँ पर जैसे मुझे कट चाहिए तो मैंने इधर पे कट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी करना है आप अपने इमेज पे कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही इजी मेथड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।